बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए, जैसा कि आपको पता है कि माह रमज़ान जो है वो आने वाला है, तो उसके हवाले से मैं आपके लिए रेसिपीज़ जो हैं वो बहुत ही मज़ेदार सी शेयर किया करूँगी आपके साथ। तो उसी सिलसिले में मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्पेशल चटनी जो है वो, उसकी रेसिपी जो कि बहुत ही कम अज्जा से और बहुत ही कम टाइम में बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार सी है। और इसके जो सबसे मज़े की चीज़ है इसमें जो शामिल होगी वो इसका मैजिक और की इंग्रेडिएंट कह लें वो है ये ड्राई रोस्ट जो है वो पीनट्स, यानी कि खुश्क मूँगफली जो कि मैंने फ़्राई की हुई है बग़ैर ऑयल के फ्राई पैन में, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रही है, इसके लिए मैंने ली है एक बड़ी टेबल स्पून जो है वो भर के। और उसके साथ नेक्स्ट जो मैंने ली है वो मैंने ली है शिमला मिर्च कैप्सिकम, उसको मैंने एक छोटा सा पीस ले लिया, ये देखें 3 से 4 उसको मैंने समय कट कर लिया है। हरी मिर्चें मैंने ली हैं तकरीबन 6 से 7। लेमन ले लिए मैंने एक बड़ा। अदरक मैंने ले ली है 3 से 4 टुकड़े। और ये देखें लहसुन के जवे जो मैंने ले लिए वो 2 ले लिए हैं। हरा धनिया और पुदीना मैंने ले लिए। चीनी मैंने ली है 1 खाने का चम्मच और नमक मैंने लिया है हस्बे ज़ायका, जितना आपको पसंद हो। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, आपको ये ज़रूर बहुत बहुत अच्छी लगेगी। और इस चटनी को जो है वो आपको सैंडविचेस वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप पुलाव वगैरह के साथ भी खा सकते हैं, पकौड़ों के साथ, तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। और ये बग़ैर दही के जो है वो बहुत ही मज़ेदार सी जो है वो आपकी चटनी तैयार होगी। तो आइए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डाल देते हैं चॉपर में, इसको आप जार में। तो ये सारी चीज़ें हमने डाल देनी है 1 बाय 1। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने इसमें डालना है कैप्सिकम, हरी मिर्चें, पुदीना और धनिया, चीनी, लहसुन, नमक, लीमू का रस तकरीबन बड़ा वाला एक, और पीनट्स जो हैं वो थोड़ा सा पानी। तो ये देखें हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें आप मज़ेदार सी जो हमारी वो चटनी है वो तैयार होगी है। इसको निकाल देते हैं एक बाउल में। ये देखें हमारी बहुत ही यमी और मज़ेदार किस्म की जो चटनी जो है वो तैयार होगी होगी। इससे पहले आपने कभी ये चटनी नहीं खाई होगी मज़ेदार इतनी ज़बरदस्त थी, तो आपने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी रमज़ान में इंशाल्लाह। और मुझे दुआ में याद रखते हैं, अपनी फीडबैक देनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और रमज़ान के हवाले से अगर आपने कोई भी रेसिपी, किसी भी किस्म की चटनी की रेसिपी आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना है ताकि मैं आपके लिए वो रेसिपी लेके ज़रूर आऊँ। दुआ में याद रखिएगा, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।